हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू मेहंदीरता, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कटारपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार. वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ टीडी उत्तराखंड. बच्चों, आप घर में इतने पेंडेमिक टाइम में भी टीवी के आगे बैठकर स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती. तो बच्चों, हमने इससे पहले 5.8 प्रश्नावली क्लास 6 एनसीईआरटी के बुक्स के हम कर रहे हैं. इससे पहले हम 5.7 प्रश्नावली हम कर चुके हैं. 5.8 पर हम बात किसकी कर रहे थे बच्चों? चतुर्भुज की. इससे पहले हमने बात करी थी त्रिभुज की, उससे पहले हमने बात करी थी घूर्णन की, दिशाओं की. तो आज अपनी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बच्चों, हम क्या करते हैं, हमेशा बैठ गए होंगे आप, क्योंकि बहुत सारे सेशन आपने कर लिए हैं, आपको मालूम चल चुका है कि आपने अभी नोटबुक साइड में रखी हुई है, ज्योमेट्री बॉक्स आपका साइड में है, और आप क्या कर रहे हैं, अब आपकी कमर सीधी जैसे बैठे हैं, सहज रूप से बैठ जाइए, और आंखें बंद करनी है. नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें नीचे करके आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होके. तो आंखें बंद, कमर सीधी, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है. इनहेल, एक्सहेल. कुछ बोलना नहीं है आपने, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है. इन आउट, इन आउट. सांसों पर ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं. अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स. अच्छा लगा ना बच्चों? यस, आप भी एनर्जेटिक हो गए, आपकी भी कंसंट्रेशन शार्प हो गई, मेमोरी शार्प हो गई, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो गई, और हमारा भी पढ़ाने में मन लग गया. तो बच्चों, जब भी आप घर में भी बैठे, तब भी आप ये एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आप फोकस हो जाओगे, अपने पढ़ने पे आपका मन लगने लगेगा. तो बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.8, जिसमें हम बात करी थी हमने चतुर्भुज की. तो बच्चों, चतुर्भुज मैंने क्या बताया था आपको? चतुर्भुज, क्वाड्री लेटरल मींस क्या है? चार भुजाएं ही. सपोज हम एक यही ले लेते हैं, तो बच्चों इसमें क्या है? चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण, चार कोने, है ना? तो और हमने जब त्रिभुज की बात की थी तो हमने क्या बताया था बच्चों? ये हम पे जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर होता है ना, वही है ये. तो इसमें हमने क्या बताया था बच्चों? तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोने और तीन ही एंगल, तीन कोण. और इसमें हमने त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना बताया था बच्चों? 180 डिग्री. और हमने चतुर्भुज में बात करी थी इनके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री. क्योंकि बच्चों, अगर आप रफली भी देखें, देखिए हमने जैसे इसके बीच में मैंने ये विकर्ण बनाए हैं, ये विकर्ण बनाए हैं, तो बच्चों अगर इसको अलग कर देते हैं तो क्या लग रहा है आपको? ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया. तो इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, इस त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 डिग्री हो गया. तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हमारा क्या हो गया बच्चों? 360 डिग्री. ये तो हो गया चतुर्भुज. अब हमने चतुर्भुज के प्रकार भी पढ़े थे. क्या क्या पढ़े थे बच्चों? एक तो हमने पढ़ा था वर्ग,
वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, ये बराबर है ना। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। और बच्चों हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि इनके प्रत्येक अंतःकोण, जो इसके अंदर बनने वाले कोण हैं, कि सब समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और समकोण, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप समकोण शब्द को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आपने घर में भी समकोण 90 डिग्री के एंगल बना के देख लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे सेशंस में समकोण के बारे में बात कर चुके हैं। तो बच्चों, और इसमें एक क्या और एक इसकी बात होती है, इसमें जो ये विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ ये समकोण है, इस जगह पर समद्विभाजित। पहले तो समद्विभाजित क्या हुआ, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, विभाजित मीन्स बांटना, या अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिवाइड, यानी समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटने को हम समद्विभाजित वर्ड यूज करते हैं। और वर्ग का दोनों विकर्ण, बच्चों ये भी दोनों विकर्ण क्या हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो विकर्ण भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। दूसरा चतुर्भुज हमने बात करी थी आयत की। अब आयत की क्या है बच्चों, इसमें वर्ग में और आयत में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ लग रहा है? चौड़ाई तो इसकी भी सेम लग रही है। ये देखिए, सपोज हम अगर ये सोचें 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो यहां भी अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मींस चौड़ाई तो दोनों की बराबर हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि वर्ग में क्या है बच्चों, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 नहीं होगा, ये क्या होगा बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होगी। ज्यादा कितनी है देखो बच्चों, हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, सपोज इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो सकती है। तो बच्चों ये हमने समझा कि आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत का विकर्ण, इसमें भी सेम, आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, और आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसमें ये सब सेम हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमारा एक और आया, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा टफ कह सकते हैं हम, या थोड़ा सा अलग, जिसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। ये है बच्चों समलंब, जिस चतुर्भुज के भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर होगा। पहले तो आप समांतर वर्ड बताओ क्या था। समांतर वर्ड मैंने आपको बताया था, जैसे ये है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। अब बताओ बच्चों, ये जो मैंने लंबाई वाली अगर बात करें हम, जैसे हमने इस आयत में बताया था, इसमें ये जो लंबाई वाली रेखाएं हैं, ये समांतर है या नहीं है? समांतर क्या होता है, समांतर होता है जब दो रेखाएं अनंत तक जाती रहेंगी और आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो बच्चों हम बता रहे थे इसमें समलंब चतुर्भुज, समलंब ये है। इसमें अब क्या है, दो युग्म, पहले आप इस आयत में ही समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको ये जो शेप है, ये आपको हर जगह दिखती है, इसीलिए आप इसमें आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों ये है, इसमें क्या है, दो युग्म कौन से हैं, एक तो ये लंबाई वाला युग्म है और एक है चौड़ाई वाला युग्म। तो इसमें क्या होता है बच्चों, समलंब चतुर्भुज, ये देखिए ये शेप आपको दिख रही है, इसमें क्या होता है, दो युग्मों में से एक युग्म समांतर होता है। समांतर क्या मीन्स, दो अगर ये रेखाएं ये जा रही हैं, ये अनंत तक मिलेंगी नहीं, इसमें एक युग्म की बात हो रही है। और दूसरा है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, ये देखिए बच्चों ये बनाया है मैंने, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होंगे, मीन्स लंबाई वाला भी समांतर होगा और चौड़ाई वाला भी समांतर होगा, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे
आयत और वर्ग में आपको बताया, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इनके जो सम्मुख कोण है आपस में बराबर होते हैं, और इनके आसन्न कोण संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है। इसको बच्चों समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललीग्राम भी बोलते हैं। और एक अब हमारा इससे थोड़ा सा अलग है, वो है सम चतुर्भुज। ये देखिए बच्चों, ये मैंने छोटा सा बनाया है सम चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर सम विभाजित करते हों, इसको हम सम चतुर्भुज कहते हैं। और बच्चों आयत वर्ग आपको समझ आ गया है। इससे पहले हमने, जब हमने इससे प्रीवियस सेशन किया था, तो बच्चों हमने क्या करा था, ये दोनों सेट स्क्वायर लिए थे और इससे हमने समांतर चतुर्भुज बनाया था। कैसे बनाया था बच्चों, ये हमारा 30, 60, 90 डिग्री का ये हमने सेट स्क्वायर लिया। ठीक है, ये सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं, एक 45, 45, 90 डिग्री, और एक हमारा होता है 30, 60 एंड 90 डिग्री। इनका योग जो होगा वो हमारा कितना है बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है और इनके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों हमने ये दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से रखे कि ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। एक हमने और बनाया था बच्चों 30, 60, 90 डिग्री से, ये बताइए ये क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये वर्ग है? नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा लग रही है। तो बच्चों ये बनाया हमने आयत। आयत किससे बनाया, 30, 60 एंड 90 डिग्री के हमारे सेट स्क्वायर से। फिर हमने एक और बनाया था बच्चों, ये हमने समांतर चतुर्भुज बनाया था, और एक हमने लास्ट में एक बहुत ही, चार आपको दो सेट लेने पड़ेंगे बच्चों, ये हमने सम चतुर्भुज बनाया था। ये देखिए दो सेट स्क्वायर हमने सेट लिए और इनको हमने इस तरीके से रखा कि ये एक सम चतुर्भुज बन गया। तो बच्चों इसकी हमने चतुर्भुज की परिभाषाएं तो हमने नोट डाउन करवा दी थी, अब आपको आज हम चतुर्भुज की जो प्रकार है इनकी हम डेफिनेशंस लिखाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस आराम से कर सके। हमने प्रश्नावली 5.8 का एक क्वेश्चन तो आपको करा दिया है, आगे की क्वेश्चन कराने से पहले हम इनकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशंस लिखा दें, ताकि आप आगे के क्वेश्चन हमेशा अपने आप कर लें। तो बच्चों अब देखते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। तो देखो बच्चों, अब हम ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम पढ़ेंगे, चतुर्भुज हम लिख चुके हैं, पहले आपने इसका नोट डाउन कर लिया होगा प्रीवियस सेशन में, अगर नहीं किया तो आप इसको देखें और नोट डाउन कर लें। तो समलंब, इसमें अब चतुर्भुज के हम प्रकार की बात करेंगे, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समलंब आपको क्या बताया था बच्चों, जिसको ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर होता है। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा समलंब। हमने बात करी थी कि दो युग्म, दो युग्म कौन से कहे, एक तो लंबाई वाला होगा बच्चों, ये और ये नहीं करेंगे आप। दो युग्म का मतलब होता है कि जैसे हमने आयत की बात करी थी, आयत की बात करी तो क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो दो युग्म इसमें से समांतर होंगे। जैसे ये है बच्चों, इसमें क्या है, ये दो युग्म है, इस दो युग्म में से एक युग्म समांतर होगा। समांतर हमने बताया कि जैसे सपोज ये दो युग्म समांतर हैं, तो ये अनंत तक जाकर आपस में कभी टकराएंगे नहीं, कहीं मिलेंगे नहीं। तो
ये हो गई हमारी समलंब चतुर्भुज की परिभाषा। और ये देखिए इसमें, अब आप फिगर में देखिए बच्चों, ये और ये अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे, ये युग्म इसका क्या है बच्चों, समांतर है। ये क्या अनंत तक जाने पर ये मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इट मीन्स इसका ये युग्म समांतर है, ये वाला जो युग्म है ये समांतर है। अब बच्चों अगर हम इनकी बात करें, क्या चाहे हम यहां से मिलाएं इधर से करें, अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये तो मिल गई। इट मीन्स ये समांतर नहीं है। तो दो युग्मों में से एक युग्म समांतर होगा, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? अब बच्चों दूसरा है इसका, समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की दोनों युग्म समांतर हों, ये देखिए बच्चों, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। ये हमने ये बना रखा है बच्चों। अब इसको आगे बढ़ाओ, ये भी समांतर है। और अगर हम इसकी बात करें, तो बच्चों ये भी समांतर है। मींस आपको अब अच्छे से याद हो गया है कि समलंब चतुर्भुज में एक युग्म समांतर होता है, और समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं इंग्लिश में, और समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। समांतर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है बच्चों कि इसके दोनों युग्म समांतर होते हैं। और आगे पढ़ते हैं और क्या है इसमें, और दोनों युग्म समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ये तो हो गया इसका। अब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये देखिए ये विकर्ण, विकर्ण तो आप प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, ये विकर्ण समद्विभाजित क्या बताया। सम मीन्स बराबर, इक्वल, द्वि मीन्स दो, विभाजित मीन्स बांटना या डिवाइड करना, यानी जब कोई चीज दो बराबर भागों में बढ़ती है उसे समद्विभाजित बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण संपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं। ये तो हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। अब बच्चों चतुर्भुज के तो हमने प्रकार ज्यादा पढ़े थे, कौन से थे, और एक था वर्ग, एक था आयत। इसको हम, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, फिर इसके बाद हम लिखेंगे वर्ग। समांतर ये चतुर्भुज के बच्चों हमने मेनली जो प्रकार पढ़े हैं वो हमने समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या है बच्चों, तीसरा है इसका, सम चतुर्भुज। बच्चों ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, इसको बच्चों रोम्बस भी बोलते हैं। जिस चतुर्भुज, इसको आप नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ और फिर याद करेंगे कि चारों भुजाएं बराबर हों, इनको डेफिनेशंस को याद करना है क्योंकि आगे का क्वेश्चन आपका यही पूछा हुआ है सारा, बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित। बच्चों बार बार ये समद्विभाजित वर्ड आ रहा है, समद्विभाजित करते हैं,
इसका हम फिगर बना देते हैं ऐसे। ये अभी आपने देखा था, सेट स्क्वायर में भी देखा था और उसमें भी पेपर में भी देखा था। ये है हमारा सम चतुर्भुज, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं आयत। आयत बच्चों ये है जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। यहां ऐसे ही लिख देते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। बराबर हों। और क्या बताया था बच्चों में आपको, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका भी फिगर बना देते हैं बच्चों। ये देखिए, ये इसकी, ये हो गया हमारा आमने सामने की। ये देखिए भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ए और विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ये आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारा लास्ट में रह गया एक वर्ग। वर्ग आप जानते हैं जिसकी क्या होती है बच्चों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर। कैसा होता है बच्चों, चारों भुजाएं बराबर, 90 डिग्री के कोण। ये देखिए ये है वर्ग, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या बताया था बच्चों, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं जैसे हमने बताया। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।